मुसलमान जौनी तरफ ज्यादा वोट दे तो समझ लियो वह पार्टी हरबे है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट नहीं मिलत है, कोई मतलब नहीं। जितना मुख्तार और अंसारी के नाम ले हो उतना हिंदू इकट्ठा हो। मुलायम सिंह का पुतला गोंजा गवा थूका गवा लटियाया गया, अपमान के वो फिर पार्टी में आ गए। वो सोचा था कि इनके कहने से हमारा यादव जुड़ जाएगा। अंतरात्मा तो कहती होगी कि भगवान हैं, जाना चाहिए, लेकिन दूसरी आत्मा कह रही कि हमारे बाप ने वहाँ पर कत्लेआम कराया है। तो अतीक अहमद के फांसी से मरने से या मुख्तार के मरने से कोई मुसलमानों पर असर नहीं पड़ा। नमस्कार, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इस वक्त अयोध्या लोकसभा में है, ये लोकसभा अयोध्या है और एक ऐसे क्षेत्र में हूँ जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है, और ये एक ऐसा गांव है जो यादव बाहुल्य गांव है। ये तमाम लोग यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं। ये विधानसभा कौन सा पड़ता है भैया? रुदौली विधानसभा पड़ता है। तो इनसे सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो नेता जो पार्टियों ने आने से इनकार कर दिया उस पर भी चर्चा करेंगे, और आज लोकसभा के चुनाव का तीसरे चरण का वोटिंग होने वाला है, उस तक चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? भीमसेन जी। तो आप बताइए क्या माहौल है आपके क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर, वोटर कितना उत्साहित है? मोदी का वोट दे भैया सबको, मोदी के नाम होता है इधर। सीधे मोदी? हाँ मोदी, सीधे मोदी। आपने क्यों बोल दिया कि एकदम नहीं? मोदी तो है, मोदी का तो वोट दे, कमल के फूल नहीं के तो आए। हाँ जी, क्यों मतलब इतनी उत्सुकता मोदी जी को वोट देने के लिए क्यों? नहीं यू है कि मंदिर बनवाइन है, सड़क बनवाइन है, 18-20 घंटा बिजली आवत है, मोदी योगी की हीन है जी। और 2000 रुपया किसान निधि में आवे। हाँ। और पेंशन मिले, गल्ला मिले, सब बड़ी और सुरक्षा, सबसे बड़ी सुरक्षा है। बहन बिटिया चाहे जहाँ आवे जाए, न्योता हकारी या कहीं भी, तो सब दिक्कत खत्म है। इसलिए मोदी का सबको कहत है, तो हम लोग मोदी महान। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि मंदिर से लोगों को क्या फायदा होगा, फिजूल खर्ची है, और मंदिर से बढ़िया अस्पताल स्कूल बनते। अस्पताल स्कूल या सरकार बहुत बनाई है। आप चले जाओ CSC, चले जाओ चाहे PSC, चले जाओ, एक रुपया का रसीद कटाओ, सारी दवा मुफ्त है, सारी जांच मुफ्त है, एक रुपया पड़त नहीं है। सरकार उन्हों के रही 5-6 साल पहले रही है, हर आदमी देखे है। 2-4 हज़ार रुपया बैंक से निकलवाए के घर तक नहीं आ सकत रहे अगर सूरत ढल जाते तो बहुत दिक्कत हुई सरकार में रही है। हाँ ये बताइए, जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो मंदिर आने से प्राण प्रतिष्ठा में इनकार किए, उस पर आपका समाज और आप जैसे लोग क्या सोचते हैं? नहीं उनका आवत चाहत रहा भाई, भगवान राम से कौन दुश्मनी है तुम्हार, भगवान कृष्ण से कौन दुश्मनी है, ईमा का मतलब आदमी मजार नहीं जाते, आदमी मस्जिद के नहीं जाते, मंदिर का चले हो तो कोनो नाक कट जाता है। वो कह रहे हैं कि वो भाजपा का प्रोग्राम था। अरे भाजपा का प्रोग्राम तो हर चीज़ का बता दिए थे, लेकिन भाजपा जो काम करत है, जो अस्पताल बनवावत है, पुल बनवावे, और ब्रिज बनवावे, एक्सप्रेस वे बनवावे, सड़क बनवावे, बिजली दिए, वो का नहीं कहती भाजपा का आए तो उन हर चीज़ हो रहा है, मंदिर भी बनत है। फिर अयोध्या जैसी जहाँ 500 साल संघर्ष चला है, आप चले हो तो छोट ना हो जातो, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते। अब आदमी सीना ठोक के कहते कि हमार जात और धर्म के लोग आओ भाई आयो है चलो, तो बहुत गलत काम के हैं, आना चाहिए उनका। ये बताइए समाजवादी पार्टी के दो समीकरण होते हैं, एक M और एक Y, तो Y समीकरण आप लोग हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं उस समीकरण पर? नहीं M तो मजबूत है उनका, यु जान पड़त है चुनाव में, लेकिन Y वाला फेल हो गया। Y वाला भगवान राम के साथ है, भगवान कृष्ण के साथ है, मथुरा के साथ है। अब सबको यूँ चाहते हैं भगवान कृष्ण प्रगट हुए और बांसुरी बजावें, चाहते हैं लोग। हाँ सबको चाह, सबके दिल में यू है, वह काम बाकी है, वह हो जाए। तो वो स्वयं भी चाहते हैं इस बात को तो कि मथुरा में मंदिर बने? हो सकत है, उन्हों चाहत हूँ, उनका तो चाहिए वो अगुवाए जाएं, जाएं कहाँ नहीं ही बने, वो तो सबसे बढ़िया काम है भाई, उनके करीब भी है, वही वही वंश के आए, तो उनका तो कहक चाहिए कि हमारे भगवान कृष्ण के मंदिर ही बनक चाहिए जी। हाँ उमा कौन दिक्कत है। ठीक है, आप थोड़ी चुनाव पे चर्चा करते हैं। ये बताइए इस बार भाजपा कह रही है कि 400 पार करेंगे, अखिलेश जी कह रहे हैं कि 400 पार नहीं 400 हार है इस बार। नहीं भैया पार तो कैले, जौनी तिरा का हवा आंधी है, वो हिसाब से पार कैले। ये तिरा का आंधी तो 1914 में नहीं रहा, 1914 में तो कहते रहे चौकीदार चोर है, पुलवामा हमला है, यू है वो। अब की तो बगैर मुद्दा के चुनाव है, या तो लोग भाजपा का वोट दिए थे, और जी का भाजपा का वोट नहीं देखे, वो घर में बैठे छोड़ा ही नहीं जाते वोट। इंडिया गठबंधन भी तो यही कह रहा है कि भाजपा के पास, मोदी जी के पास अब मुद्दे ही क्या है, मुद्दे ही सारे इंडिया गठबंधन के। अरे मुद्दा विपक्ष उठावत है कि सत्ता पक्ष उठावत है, विपक्ष का यू कहक चाहिए कि ई मुद्दा है कि मोदी चिल्लाई हैं, सीना फाड़ के देखी हैं। विपक्ष कोनो मुद्दा ही नहीं खड़ा कर पा रहा है, जैसे पुलवामा को उठावा रहा है विपक्ष है, तो बालाकोट उठा दिन, चौकीदार चोर किनारा को दिहित रहा है विपक्ष है, तो कहीं मैं भी चौकीदार,
राफेल के मुद्दा को उठावा रहा है कांग्रेस, किसान के मुद्दा उठाई रहे, धरना प्रदर्शन दिए रहे कांग्रेस, ये बार नहीं उठाई जी। तो मुद्दा तो विपक्ष का काम है उठाना, जीएसटी का मुद्दा को उठावा है, नोटबंदी का मुद्दा को उठावा है, ये विपक्ष का काम है मुद्दा उठाना। सत्ता पक्ष थोड़ो कहे कि हमारे अंदर यह कमी है और ये लोग कोनो मुद्दा ही नहीं उठा पाए नहीं चुनाव में। ये चुनाव में तो आदमी घर में बैठे बैठे कमल के फूल का वोट दे। वो तो कह रहे हैं कि दो चरणों में भाजपा हार गई, अब जो आगे के पांच चरण है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अखिलेश यादव तक प्रचार करेंगे, वो पांचों चरण जीत जाएंगे। ये हर चुनाव में यू कहते हैं कि भाजपा हार रही है, हर चुनाव में अपना हार जाते हैं। ये फिर एक साल कहूँ आई हैं जई हैं ना जी। हाँ, भाजपा जीते, एक तरफा जीते, ज्यादा से ज्यादा सीट जीते। हाँ भैया, ये बताइए क्या अखिलेश यादव को अपनी गलती किस तरीके से सुधारनी चाहिए, क्या माफी मांग के जो उनके पिताजी ने किया, आप इस पर क्या सलाह उनको देना? ऐसा कह लिए तो बहुत अच्छा है, जैसे 84 कोसी परिक्रमा रोकिन है, 14 कोसी परिक्रमा रोकिन है अपने समय पर, यही अयोध्या में लाठी चलवाइन है, गोली चलवाइन है, साधु संत के हत्या करवाइन है, जगह जगह हर जिला में दंगा करवाइन है, तमाम आतंकवादी का जीवन दान देहीन है। अगर मतलब वो कह लिए कि हाँ भाई हमसे ये सब गलती भाई है, तो आदमी माफ़ हो कही सकत है, ऐसी चीज़ नहीं, कोनो इतना बड़ा अपराध नहीं किए हैं। जय श्री राम। सलमान खुर्शीद नेता हैं कांग्रेस के, उनकी भतीजी है मारिया आलम, वो कह रही हैं कि वो मुसलमानों से अपील कर रही हैं कि मुसलमानों वोट का जिहाद कीजिए और वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी को कीजिए। नहीं तो जितना वो एक तरफा अगर उधर जिहाद करे के बात करी है तो इधरों जो उन हल्ला मचे, वो तो मुसलमान जो उन तरफ ज़्यादा वोट दे तो समझ लियो वह पार्टी हरबे है। हाँ, हाँ, फिर हिंदुओं इकट्ठा होते, फिर वो जात पात नहीं देखत है, छोट बड़ा नहीं देखत है। हाँ, फिर एक तरफा वोट बीजेपी का देत है जी। हाँ, एक संबल से सांसद थे समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क, अब उनके पोते को जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, उनके पोते भी कह रहे हैं कि भाई मुख्तार चाचा की, अतीक चाचा की जो कुर्बानी है वो जाया ना जाए। अतीक चाचा और मुख्तार चाचा तो मट्टी में मिल गए, कोनो मतलब नहीं है उनके नाम लिए, जस कह रहे हैं बस फल पाए गए। हाँ, अब कोनो मतलब उनके नाम का नहीं रहेगा यूपी में। वो कह रहे हैं कि कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए उन लोगों की। अब वो जाया जाए कि ना जाए वो नहीं बता सकत हैं, लेकिन वो खुदो चुनाव हरी हैं, इनके पहले 14 में हारे रहे, उनके बापो बाबा हैं हारे रहे चुनाव, यह चुनाव हरी हैं। हाँ, और ये अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट नहीं मिलत है, कोई मतलब नहीं, जितना मुख्तार और अंसारी के नाम ले हो उतना हिंदू इकट्ठा हो, इसलिए कि सबका उन्नीक है तो सबके साथ है कि ही नहीं। तो अब हम तो न कहा भाई मुख्तार अंसारी नीक रहे कि बेकार रहे, सारी दुनिया जैसे कहा थे वैसे हम हूँ जानी थे, जानत को नहीं है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का। हाँ, और का भाई हमारे यहाँ के तो करीब ही जिला है उनके, अब वो अखिलेश का नहीं पता है, चूँकि अखिलेश हमेशा सिक्योरिटी में रहते हैं, यहाँ गरीब आदमी से पूछो कि अतीक का आदमी मतलब उनका नौकर अगर कालर पकड़ लेते तो क्यों बतावत नहीं रहा के उसे कि अतीक अहमद के मन ही हमका गाली दही सही या छीन लेही सही या मार दही सही, जी के मन हो उ खेत लिखा लिए, जी के मन हो उ बैनामा करा लिए, बेचारे रोवा करे फटका करे कोनो मतलब नहीं रहा, कहूँ सुनवाई नहीं रही। तो इस तरीके से आपने मोदी जी की योजनाएं बताई और उनसे मिलने वाले लाभ बताए, चाहे वो सम्मान का पैसा हो किसानों का, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भी जनता बिल्कुल त्रस्त है और परेशान है एकदम मोदी जी के झूठों से, और जनता इस बार भाजपा को हराने भाई का। अखिलेश यादव यू जानत हैं कि हमका हार जाए है। हाँ, अखिलेश यादव यह जानत हैं कि हम जितनी मेहनत कई के कांग्रेस का हराए दी, कांग्रेस यू चाहत है कि कितनी कम सीटें अखिलेश यादव पावे, उनके दुई में कौनो मीटिंग साझा कहीन, कौनो कांग्रेस के उम्मीदवार के वोट मांगे अखिलेश गए, अखिलेश के उम्मीदवार के वोट मांगे राहुल गांधी गए नहीं गए, तो नहीं अभी। हाँ, तो ये छोटो जनता समझत है, अब वो ही सोचत हुए हैं कि गांव देहात के लोग बुद्धू हैं, वो समझत नहीं, या हमारी बिरादरी के लोग गोबर बहावे वाले आए या दूध गारे वाले आए या देहात के आए गेहूँ लगावे वाले आए। हाँ, तो हम कुछ नहीं जानते हैं, हर आदमी हर गरीब और अमीर हर आदमी सब कुछ जानत है जी। जाने में कोई फर्क नहीं है। हाँ, कौनो यदवंशी हो, रघुवंशी हो, सूर्यवंशी हो, क्यों हो, ठाकुर बाभन बनिया बुजवा लोहार बिलवार कहाँ कौनो बिरादरी हो, एक तरफ भाजपा लड़त है, एक तरफ उई लड़त हैं अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जी। तो अब जाहिर सी बात है वो की का वोट दे भाई, पूरे प्रदेश में शांति है, कहूँ दंगा नहीं होत, कहूँ फसाद नहीं होत, कहूँ डकैती नहीं पड़त, कहूँ लूटपाट नहीं होत है, बहन बिटिया देर सुबेर आवत जात हैं, कहूँ मतलब आप कोई परेशानी है ही नहीं है। इरफान अहमद खां। इरफान अहमद खां जी, तो आप बताइए क्या समझे 10 साल में मोदी के काम से? आप मोदी के काम से सबसे बड़ा ये किया साहब कि गुंडई जो है साहब
अंधेरे उजेरे कोई आदमी कहीं चला जाता है सुरक्षित रहता है। यही जो ठाकुर साहब है 12 बजे दिन का ये जगह इनका घेराव की है, बदमाश है, पैसा लिए रहे ठाकुर साहब जी। कहते हैं आज बात याद भाई, कहते हैं अब आज 12 बजे रात के कोई बोलने वाला नहीं, तो गुंडई तो खात्मा, अवतीक अहमद और ये जो मुख्तार मारे गए हैं ये कोई अवतारी और देवता नहीं थे, ये मतलब क्रिमिनल रहे डकैत, कितने कत्ल किया इन लोगों ने पता नहीं ना जाने। हाँ तो वो कोई देवता नहीं थे कि उनके लिए मुसलमान मरे कहते हैं। चोर की कोई जात नहीं होती है, चोर से रिश्तेदार खानदान सब नाराज रहता है। तो अतीक अहमद के फांसी से मरने से या मुख्तार के मरने से कोई मुसलमानों पर असर नहीं पड़ा। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हाँ तो भाई वो न बोले गोली चलवाए थे समाजवादी के लीडर ने कि नहीं मुलायम सिंह जी, जी। और अयोध्या का झगड़ा बढ़ाया हुआ इन्हीं मुलायम सिंह का है। हाँ। इतनी झूला का ऐसा पेंग इन्होंने मारा है इनको कहते हैं, तो उसको आदमी नहीं समझता है कहते हैं उसको। तो क्या मन बनाए आप इस बार लोकसभा के चुनाव का वोट? ऐसा है लल्लू सिंह जीतेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी, सरकार बनेगी दिल्ली में, लल्लू सिंह जीतेंगे और नाम चार की सीटें पाएंगे अखिलेश और राहुल। अरे वो कह रहे हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। अरे तो वो चिल्लाए चौकीदार नहीं, इसके पहले कहते थे वो, कहते हैं चौकीदार खुद बन गए। तो कहने के लिए वो और राहुल गांधी ने जो इतने मैनिफेस्टो में 1,00,000 विधवा को पेंशन और कर्जा माफ, तो वो समझते हैं कि अब आ ना पाएंगे, भौकाल भर रहे हैं वो। अच्छा वो आएंगे नहीं, वो इसलिए ये बयानबाजी कर रहे हैं। जी हाँ तैयार किए हैं। हाँ तो इसीलिए वो तैयार किए हैं कि सीटें ज्यादा से ज्यादा हमको मिल जाए इसी लालच में। अरे वो कह रहे हैं कि भारत खतरे में, मोदी के हाथ में, मोदी के हाथ से बचाना है भारत को चाचा। अरे मोदी का भारत तो ये का भारत संदूक में रख लेंगे का भारत को, ये कहते हैं प्रधानमंत्री हो जाए तो महताजी बाप का कहते हैं दादी का नहीं बचा सके और देश बचे हैं कहते हैं। बड़े राहुल मैंने बाप मारा के बाद महताजी मारी गई, वो बाप की महताजी मारी गई, आज ही ऊका नहीं बचा सके, देश का संदूक में रख ले, कहा इंडिया का मतलब कोई बड़ी संदूक बनी है। अरे वो कह रहे हैं कि मेरे दादी ने और मेरे पापा ने कुर्बानी दी है भारत के लिए। अरे जब मार डाल गई कतल हो गया तो कुर्बानी कहाँ चाहे जाऊँ कहाँ समझो। अच्छा आप ये बताइए योगी जी के बारे में, योगी जी कैसा काम करते हैं? साहब बता दिया कि 12 बजे दिन का यहाँ लपड़िया लोग रुपया छीन लेता है, चाहो पड़ रहा है हवा साहब 12 बजे रात के लोग चले जाते आराम से उसी रास्ते पर। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे यादव समाज के लोग भी हैं और आप मुस्लिम समाज से हैं, आप दो समीकरण होते थे समाजवादी पार्टी के, अगर आप दोनों ही सरक जाएंगे तो उनके पास क्या बचेगा फिर अखिलेश जी के पास में? अरे पाई जी हैं नामचार के भोकाल से वोट, ऐसी बात थोड़ी कि डब्बा खाली ही है, लेकिन निकालने की पोजीशन में नहीं है अखिलेश समझे। अरे आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए, अब तो उनके पिताजी भी नहीं रहे यार, अब तो आपको बड़े बुजुर्ग होने के नाते उनको आशीर्वाद देना चाहिए। अरे देना चाहिए हाँ, कितने कत्ल कराए नहीं उनके पिताजी अयोध्या मंगते हैं, कितने कत्ल हैं उसमें, सरकारी नौकर रहे उसमें, मुसलमान भी मरे हिंदू मरे, क्या ड्यूटी पर हिंदू आए थे, मुसलमान सरकारी नौकर नहीं है बिल्कुल नहीं, उसमें कितने मरे कहते हैं। तो वही अतीक अहमद की ना अपराधी रहे, गोली न चाहते, पुलिस फोर्स के अंजाम अदालत पर मुकदमा चलता था, ऐसे चलता जो कुछ होता। ये बताओ यहाँ पे जब विधानसभा का चुनाव था तो ओवैसी भी आए थे यहाँ, ओवैसी इस बार भी कह रहे हैं मुसलमानों से, वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई मुसलमान एक ही सीख में को सब पार करो। ओवैसी तो साहब वहाँ अपने वहाँ हैदराबाद में जो कुछ है कुछ सीटें पा जाते, बिहार में 4 सीट पाए समझौता मायावती करके, चारों भग गए ओवैसी के बिहार में। हाँ तो यहाँ नहीं लड़ा रहे हैं, नहीं लड़ाई है तो कुछ 40,000 वोट काट नहीं है। उसका नुकसान किसको होता है? नुकसान उसका मतलब अखिलेश का होगा, अवैसी का लड़ने का, समाजवादी पार्टी का होगा। हाँ उसे अवैसी जहाँ लड़ेंगे मतलब पेवर मुसलमान ही है, वहाँ समझ लीजिए सभा हार जाएगी। ये बताइए आप मोदी जी का साथ दे रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आई तो कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति लेके मुसलमानों में बांट देगी। नहीं साहब ऐसा तो नहीं है साहब, राशन कार्ड मिले थे हर जन बैकवर्ड और समान मुसलमान हिंदू सबका बराबर मिले थे, हमें पास खेत है साहब, जमींदार परिवार से हमारा खेत, अगर मोदी ले मोदी ले हैं तो इन्हों वर्मा जी आए इन्हों ले हैं, और जो मोदी बिरादरी उन्हों खेत ले हैं, और बदमाशी जी करनी है तो ये बंद हुई हैं, हम करेंगे तो हम बंद होंगे, तो लोग हल्ला उड़ी हैं बैकूफ लोग की मुसलमान हैं बंद में और काम न देखिए। ये तो बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ कैमरे पे बोलता है लेकिन मोदी का वोट बहुत कम करता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, कहते हैं ऐसा तो नहीं है, मोदी से ज्यादा कौन है, सबसे बड़ी सेफ्टी है। हाँ। अब भी पता लग गया कि एक मुसलमान मारा जा रहा है हिंदू मुस्लिम
फोर्स फाट पड़ी है, एक तरफ से पकड़े दिए जो उन गुंडे ही करे थे, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। तो मोदी 400 पार करेंगे यानी इस बार 4 जून 400 पार? 400 पार करें या भाई, मामला चल रहा थोड़ी घट जाए, लेकिन सरकार बने में कोई रोक न पाई है, कोई नहीं रोक, सिंगल सरकार में कोई नहीं रोक सकता। अरे, राहुल गांधी ऐलान किए कि इस बार मोदी को दिल्ली जाने से रोक देंगे। अरे तो वो ऐलान कर दिए कि इंदिरा गांधी जिंदा होगी, फिर पब्लिक को लोग कहिए सही बात लिखते हैं, ऐलान कर जो उन पावजून कर दिया। हाँ, आप तो एकदम धराशाही कर रहे हैं यार कांग्रेस को। और कांग्रेस तो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी तैयार की है। जब 1947 में कांग्रेस बनी, प्रजातंत्र राज हुआ, तब राजाओं नवाबों पूंजीपतियों की चलती हुई छोटी जनता पीसी जा रही, तब भारतीय जनता पार्टी बनी है। कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी बनाने वाले कांग्रेस ही है, समझ में आई बात? राहुल गांधी का क्या फ्यूचर मानते हैं आप? उम्रदराज व्यक्ति हैं, एक अनुभव है आपके पास में, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी के बाद में, लगता है आपको कुछ चांस? साहब चांस इनका नहीं लगे थे और नहीं इनकी रेखा जानो प्रधानमंत्री वाली, नहीं भैया ही कांड़े वाली रेखा है इनकी, लीलगा वो कहते हैं छुट्टा जानवर वाली, भाई वो है कि सांसद बन जाए, विपक्ष के लीडर बन जाए, बस यही है इनकी मुकद्दरमा। अरे अखिलेश यादव जब आएंगे सरकार में, अगर आप उनकी सरकार बनवाओगे, वो कह रहे हैं कि जो छुट्टा पशु है ना आज के समय में, जो खुला सांड जो खेत का नाश करते हैं, उनको सबको वो बंद करवा देंगे। अखिलेश खुद ही डराते हैं कि राहुल की ज्यादा सीटें हो जाए तो हम नीचे पर जा, हमारे ऊपर डंडा उठाए, वो कहते हैं राहुल कहते हैं, तो राहुल चाहते हैं कि अखिलेश ज्यादा नसीब पाऊं, अखिलेश चाहते राहुल ज्यादा सीट ना पाऊं, घमासान है। हाँ, अब देखाओ आप दोनों जने मार खाए हैं तो इकट्ठा में झाली ढूंढ ली ना, और उसके बाद जैसा नतीक खतरा मिले अपनी जगह। अच्छा चाचा, एक बात बताओ, अगर 5 जून के बाद जब 4 जून को परिणाम आएगा और जब ये हार जाएगी इंडी गठबंधन जो बना है, एक दूसरे को आपस में गाली देंगे कि नहीं देंगे? वो तो वहाँ पार्लियामेंट में पहुँची हैं तो मालूम दे है, वहाँ कहते हैं इलेक्शन बाद जब हरी हैं तो वो कहीं ये मुखालफत की सीटें घट गई, और कहीं नहीं ये इन्होंने क्या हमारी घटाया, ये बात की लड़ाई हुई है और कोई बात की नहीं। जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र यादव। तो यादव जी, आप तो अखिलेश जी के साथ में होंगे इस वाले चुनाव में? कतई नहीं। कतई नहीं, क्यों? अरे कहाँ यादव के साथ में रहे, पूरे देश में कोई यादव का टिकट दही? यादव के मसीहा हैं, पूरे देश में कोनो यादव का टिकट दही, अपने चारों घर चारों पास। अक्षय यादव को दिया, धर्मेंद्र को दिया भाई, और आप हैं? अरे उन्हें इनके घर के तो हैं, क्यों बाहर दिन सिंपल यादव को दिया? अरे तो उनके घर के अलावा और कोई यादव का बताओ किसी को दीने, पूरे देश में किसी का दीन बताओ। अरे जो जीतने के लायक होगा उसी को तो देंगे वो टिकट। अरे जीतने के लायक कोई माथे में लिखा है का? अगले इलेक्शन में 4.5 लाख वोट पाए थे नंद सेन बाबू जी ने सपा से जी। आज उनको नहीं बुलाया गया, दाखिला में नहीं बुलाया गया, किसके वोट से वो उदेश लड़ रहे हैं लड़ाई? आज उनको नहीं बुलाया गया, दाखिला में नहीं बुलाया गया, आज अखबार में रहा है, हम पढ़े नहीं, हमने दूसरे से पढ़ के सुना है, क्यों नहीं बुलाओगा? अपमान किया यादव का कि नहीं किया उन्होंने? अरे उनके पिताजी कई बार सांसद रहे, कई बार इलेक्शन लड़े हैं, और कई बार ये भी तमाशा देखेंगे, ना होने देंगे। और उनके लड़कों से बगावत ठानी है तो ये इलेक्शन लड़ेंगे? कैसे इलेक्शन लड़ेंगे वो? या तो कौन लाइन पर जाए? अब यादव तो जा रहा है, उमा जा रहा है यादव, जो बीजेपी से छूट है वो सीधे कम्युनिस्ट पार्टी को जा रहा है यादव। कल दाखिला होने जा रहा है, 100 गाड़ी के साथ में दाखिला होने जा रहा है, वो तो टेम्पू से बैठ के गए, जो रहा हुआ वहाँ 7 दिन टेम्पू से बैठ के परसों गए हैं, सब दिखा रहे पड़ रहा है, और वो 100 गाड़ी से जा रहे हैं कल दाखिला करने, दोनों भाई कल दाखिला, अभी ले रुके थे बेचारे। समाजवादी पार्टी अब राम जाने की कम्युनिस्ट पार्टी लड़ान में ना आ जाए, बीजेपी की लड़ान में कम्युनिस्ट पार्टी भी आ सकती है। यादव बड़ा मूठी होता है, यादव का मूड बिगड़ गया तो अपन घर द्वार कुछ नहीं जानता है, खिलाने पिलाने में हर चीज में लड़ने फिरने में उसका दिमाग जो कंप्यूटर बदल गया तो बदल गया। अखिलेश यादव भी तो यही कह रहे हैं कि 400 हरा देंगे, उनका भी दिमाग खराब है। हराए का दे है उनके मत हर गए, प्रत्याशी चुने तो देखो बेचारे 4.5 लाख वोट पा रहे हैं भैया, उनका बगल के दिन तो यू बताओ कि क्या मत हरी पड़ी है। और मोदी दादा के कोई वर नहीं है, किसको कब मुख्यमंत्री बना दिए, कि का कब सांसद बना दिए, मध्य प्रदेश में पीछे बैठे रहे मोहन यादव, पीछे बैठे रहे, जब उनके बलगवा भाव तो कांप गए, डराते रहे कि हमारी हंसी हुई मुख्यमंत्री बना दिए, तो कहा अपन अनंत सेन हार गए रहे तो कहा उनका टिकट देती, कहा अपने घर भर है टिकट का और बाहर कर देती, तो शहर कर देती। तो जैसे मोहन यादव सीएम बने उसका प्रभाव समाज में? अरे बहुत बड़ा पड़ा, यादवन के ऊपर पड़ा, यादवन के ऊपर तो पड़ा ही भवा। और कहूँ चले आए भैया उमा
प्रचार में तो राम जी ने कहा हुए तो लल्लू दादा 4 लाख वोट से जीते हैं। हाँ। और एक बात सुन लो, हमारा सांसद बिला डाक है पूरे देश में। हाँ। लल्लू सिंह दादा के ऊपर 116 का मुकदमा नहीं है तो ऐसा सांसद कहाँ मिले? दामन एकदम साफ है। हाँ, एकदम से वो फादिल बात नहीं करते हैं, जिसको समझते हैं तो अपने सीने से लगा करके बात करते हैं, समझो। तो इसलिए अब ऐसा प्रत्याशी हम लोग पाए के, और फिर इनका छोड़ो, हम मोदी दादा का देते राम नाम पर वोट देते हैं, बीजेपी में देते हैं, पेंशन पाई, गल्ला 40 किलो पाई, दोनों भाई तीनों भाई 2000 रुपए पाई, 18,000 पाए थे लोग, हाथ बिजली, अरे बिजली क्या चीज़ है, ये अपने पैसा से पूरी बिल जमा कर देते हैं, 3000 साल में आवत है, बिजली में माफ करें तो उनके नुकसान हो, किसान का बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो घर के 4 जने हैं वो 6000 रुपया साल में पावत हैं, कितना उनका होगा, और 6000 बिजली बिल नहीं आवत है। अवधेश सिंह वाले जो टीम है वो कह रही है कि आज तक अयोध्या से 3 बार लगातार कोई सांसद नहीं बना, लल्लू सिंह भी हार जाएंगे। अरे लल्लू सिंह क्या, आ जाइए विधानसभा जहाँ खड़े हो। हाँ। विधानसभा जहाँ खड़े हो, तीसरी बार कोई विधायक नहीं बना, तीसरी बार कोई नहीं विधायक बना, 42,000 से विधायक जीते। हाँ। 42,000 से विधायक जी जीते, तो यू का सोचो लल्लू सिंह उतने से नीचे ये कोई नहीं जीतेंगे, ऊपर बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, 42 से 43 कर दिया जाएगा, मतलब 41 नहीं होगा, आप लिख लीजिए। हाँ बस बताइए, आपने राम जी के दर्शन वोट बढ़ कैसे, राम जी के दर्शन नहीं पाओ तो यही हाल है, दर्शन पा जाए तो फिर क्या होगा, दर्शन मिली वैसे कर तो क्या हाल होगा। चलिए चाचा, आप तो खेत किसान आदमी है, आपको अभी समय नहीं मिला, आप तो कर लेंगे दर्शन, और आपके पास ही में है। अखिलेश यादव ने न्योता ठुकरा दिया, और न्योता ठुकराने के बाद तो चलो उस समय तो कह दिया कि भाई हम तो अभी ये भाजपा का प्रोग्राम है, लेकिन आज तक भी वो दर्शन नहीं ठुकरा है, उनकी समय ठुकरा, इससे समय से बढ़कर कुछ नहीं है, सनु हुई कहानी हम पढ़े नहीं हैं, मतलब जो कोई ज्यादा होता भैया उनके समय है, समय जिसकी चाहेगी भंगी बना देगी, समय जिसको चाहेगी आसमान मिटा देगी, समय होती है, उनकी समय खराब है। जब उनके प्रत्याशी बताओ तो 4 लाख वोट से नहीं जीते, प्रत्याशी को ठोकरिया दिन कि वो बेचारे इंतजार में बैठे रहे, उनका बुलावा नहीं गवा, मतलब अखबार में निकला भैया हमसे बतला नहीं, हम जानी, मतलब अखबार में निकला क्यों ठुकरा, कोई कारण तुम हो बार में निकाल के बताओ ना कि या कमी इनके अंदर है, तो हमने इनको ठुकरा दिया, क्यों ठुकरा दिया, राम से उनके बाप दादा इलेक्शन लड़ते चले आए हैं, अभी तक निर्दलीय लड़े तब वो जीते हैं, वो अगर पार्टी नहीं टिकट थी तो जीत लड़े हैं, तो उनके लड़का लड़ रहे हैं तो क्या भेजा है तुमको, और फिर तुम्हें साथ में रहे, अभी इसके विधानसभा वाले इलेक्शन में हाथी में जो गए हैं मियाँ साहब हाथी वाले, मुलायम सिंह का पुतला गोंजा गवा थूका गवा लटियाया गया, अपमान के वो फिर पार्टी में आएंगे, वो सोचा था कि इनके कहने से हमारा यादव जुड़ जाएगा, यादव के जूता से मारो उसके बाद तुमका माला को पहरा दे, कैसे माला तुमका पहरा दे, मतलब जिस प्रत्याशी ने मुलायम सिंह का पुतला फूका पैर से उसको खूंदा हाथी में, उसको समाजवादी पार्टी ने शामिल कर लिया, फिर कर लिया, और समाजवादी प्रत्याशी से बात ही नहीं हो रही है, जो अगले अनंत सेन भैया आए रहे लड़े रहे हैं, असली आदमी है, और इनसे ज्यादा वोट भी पाए थे, 53,000 पाए थे, ये जो 85 पाना है, यह सोचे रहे तू उनसे कम उपाय होते तो रख दो, आवाज उनका नहीं बुलावा गवा, जब उनका नहीं बुलावा गवा तो वो ना हुई है ना हुए दिया है, अब तो लल्लू दादा भैया चाहे खटिया सो हुए, अब कोनो दिक्कत नहीं है, अब अहिले तो चाहे कुछ दिक्कत हो रही दौड़ धूप पड़ते है, बोला अब लल्लू दादा बढ़िया चैन से खूब सो हुए, अब कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो, ऐसा ऐसा सांसद पूरे देश में नहीं है जैसा सांसद हमारा है, क्या चाचा, अगर वो खाट पे भी सोएंगे तो भी जीत जाएंगे खूब खोल के जीते हैं, खोल। हाँ, क्या नाम है आपका? राम सेवक यादव। यादव जी, आप तो यार समाजवादी पार्टी कहाँ जाएगी, आप तो परंपरागत, हम लोग भाजपा के हैं, भाजपा के रहेंगे और वोट देंगे और लल्लू दादा को जिताएंगे बहुमत से, यहाँ से। कैसे मन बदला आपका? हम बहुत दिन से हम इमा, आज से नहीं है। अच्छा, बहुत दिन से। क्या काम किए 10 साल में मोदी जी ने? मोदी जी ने बहुत काम किया, आज तक काम किन की को कर नहीं सका थे, अरे गल्ला दिए, राशन दिए, हर चीज तो दिए, हर मदद तो कर रहे हैं, और क्या चाहिए। अरे अखिलेश जी कह रहे हैं कि जनता का पैसा जनता में दे रहे हैं तो क्या ना लियो, उनके नाम ना लियो, वो जो उनकी है सब भोग गए अपन अब। अरे आपकी बिरादरी के बड़े नेता यार, बड़े क्या करी, बिरादरी लेके चाटी कि वही की बच्चाई उनका। हाँ, कहा हुआ पुतला फूका जाए तो कहा हुआ मारा जाए तो कहूँ सुनवाई हुआ था तो उनके ऐसे आदमी कमरे लोग के लगे नहीं गुंजाइश। अरे लेकिन यादवों का एक रुआब था यार, यादव जब रहे तब रहे। हाँ। वो चच्चा हुए, इनके रुआब देखें, हमारे लोग के कौन रुआब देखे। उन,
हमको आशीर्वाद नहीं दोगे? ना दे भाई। नाराजगी क्यों? अब हम नाराजगी है। अच्छा है आपका, अब तो पिता का साया भी उठ गया उनके सर से। का करी, जो माँ माँ का वो ठुकरिया गए तब भी सुनकर ध्वस्त होगा। कामाख्या धाम से जब से उनके ध्वस्त होगा। हाँ, 400 पार करेंगे कि नहीं इस बार? 400 पार कर दे हैं, वही पार जाइए। हाँ, 400 पार कर। हाँ हाँ, कैसे पार करेंगे? अब ऐसे करिए, हम हूँ टीवी चैनल सब देखा कहे हर देश के पानी पी आई ने। मुद्दे क्या रहेंगे कि 400 बहुत बड़ा लक्ष्य होता है? अरे नहीं, वो पार कर दे। राजीव गांधी पाए थे। हाँ तो पार कर दे की मौत के बाद। अरे मौत जाए दियो, इंदिरा गांधी की जाए दियो, तो जब से नसबंदी कराई तब से आज तक हमसी नहीं। तुम कहा तो खत्म करो उनकी बात भैया। मोदी का आगे कोक चली वाली ना। जय हिंद जय भारत। आप बताइए क्या? नहीं नहीं, आप बताइए ना, आपका क्या नाम है? हमारा सत्यनलाल गौतम नाम है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको इस वाले चुनाव में? थोड़ी हमें समीक्षा कर देंगे तो हम भी। इस चुनाव में जो है, कहीं भी जहां भी देखो, चाहे वो एससी हो चाहे बैकवर्ड हो, सारा आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहा है। और योगी और मोदी और लल्लू सिंह को जो है अकेले जिताएंगे। गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि एससी जो है सारा मन बना चुका है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। लेकिन पीडीए तैयार किया समाजवादी पार्टी ने, पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक कह लो, अगड़ा कह लो, पिछड़े की बात तो समाजवादी पार्टी कर रही है। पिछड़े क्या कर रही है? वो कुछ नहीं कर रही, वो केवल नाम जप रही है। काम तो मोदी कर रहे हैं, चाहे पिछड़ा हो चाहे बैकवर्ड हो और चाहे एससी हो। जो काम मोदी ने कर दिया है, जिसे अभी जो है कहाँ पे जो है कश्मीर में जो है अभी तक वहाँ हमारा वो बाबा साहेब को संविधान नहीं लागू हुआ था, जो कि लागू हो जाना चाहिए। पहले कांग्रेस भी थी, मतलब कांग्रेस फुल बहुमत में थी, लेकिन नहीं किया। तो इस बार जो है मोदी ने जो करके दिखाया है, वो हमारे एससी समाज के लिए गौरव की बात है। इसलिए हमारा एससी समाज जो है खुल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जिताएगा तन मन से। आप बताइए क्या लगता है आपको कि 400 पार कर पाएंगे या 400 पार सिर्फ स्टेज से और मंच से अच्छा लगता है? मैंने 400 पार होना है। 400 पार तो पक्का है, गारंटी है। कैसे करेंगे 400 पार भाई? 400 के लिए मुद्दे भी तो चाहिए। मुद्दे तो सारे कांग्रेस वाले करेंगे, मुद्दे तो सारे कांग्रेस पे हैं। 370 खत्म हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू राष्ट्र हो जाता है। इसलिए नाम पर हम लोग वोट डाल देवे जो है हिंदू राष्ट्र पे। हाँ, हिंदू राष्ट्र पे। जो कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र? बाबा कहे ना जो है बाबा बागेश्वर बाबा जो है। अरे लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई देश सेकुलर है, ये कहाँ भाईचारा तोड़ रहे हैं यार। वो ऐसा उनका कहा दियो, देश सेकुलर का कौन? देश सेकुलर अपना रहेगा जो है, हिंदू राष्ट्र सेकुलर ना रही। सऊदी अरब सेकुलर नहीं है, वहाँ कोई दिक्कत है? हिंदू वहाँ नहीं रहा था, रहते हैं वहाँ पे भी तो कितना हिंदू जाता। हमारा भाई वहाँ रहा सऊदी अरब में, उनका कोई परेशानी है जो है? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू राष्ट्र बने, जैसे और सब देश वैसे जाएगा, यहाँ देश हो जाए दुनिया में काठो तो देश हो हिंदू राष्ट्र जो। विपक्ष कह रहा है कि हिंदुओं के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे ठग लिया लोगों को मोदी ने। अरे वो तो यह बताइए करें, उनके पास और कौन काम है? कौन काम है और कौन के पास? तो रोजगार देने का काम है यार। रोजगार तो मोदी दिए हैं, मोदी दिए हैं। और का 1 लाख आदमी की शायद नौकरी पाएगा अयोध्या में जो है? डायरेक्ट नौकरी 1000, 1200, 1500। हमारे तो व्यवहार मुसलमान आ रहा है, गवा 1200-1300 रुपया डेली रिक्शा कमा, रिक्शा बैटरी वाला रिक्शा चला चला कमा, कलो बाद में 1200 रुपया आज भैया कमावा है। अयोध्या में मुसलमान भी पैसा कमा रहा है? अरे हमारे साथी आ जो है, हम लोग हिंदू मुसलमान यहाँ सब मिलकर रहा, कोई अलग थोड़े है जो है। और कहा साथी आ जाओ ना, इकरार रहमान नाम है, चाहकर उनका नाम मोबाइल नंबर कहा दे दे तुमको बात कर लियो। और कहा तुमका सच्चाई समझ लियो ना जाना तो जो है। तो मोदी जी 400 पार करेंगे गारंटी है। राहुल गांधी क्या करेंगे फिर? राहुल गांधी एक सीट पर ही है जो है, वाई नाट वाले जो है। अमेठी से भी नामांकन? अमेठी में कहा भाई, अमेठी में 14 नंबर भाई, ये तो हमारे बगल है या यहाँ बस, ये 10 किलोमीटर आगे हुआ है, यहाँ से अमेठी शुरू है 10 किलोमीटर आगे से नहीं, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे अमेठी शुरू है। अमेठी में इनके ऊपर केवल एक बोझ लादा जा रहा है, ये जीत कहाँ कर पाएंगे? परिवार की नाक बच जाए, बस परिवार की नाक बच जाए, वो काटी पड़ी है पहले से। जिस समूह में एक दूसरे पर विश्वास न किया जाए जी। उस समूह का कोई नेता प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना, भीतरी घात से कोई नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो फिर हमारे लिए मोदी जी जिंदाबाद।
मोदी जी जी क्या किया चाचा आप बताओ, आप एकदम नॉर्मल आदमी है भाई, इतना कुछ किया है कि शायद आगे आने वाले प्रधानमंत्री या जो गुजर चुके हैं इन्होंने ना किया है और ना आगे आने वाले कर पाएंगे। क्या बात कर रहे हो। हाँ, उन्होंने सबसे पहले हिंदुत्वता की नाक रखी, 5 लाख रखी मोदी जी ने इन्होंने। और ये भी हुआ था, कश्मीर में लोग कहते थे नेता वहाँ के, खून की मतलब नदियाँ चलेंगी, खून की धाराएं चलेंगी, जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन कत्लेआम होगा। क्या हुआ, क्या एक परिंदा भी नहीं मरा? नहीं, जब कुछ नहीं हुआ तो इससे अच्छा और प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन राहुल गांधी को ये चीज समझ क्यों नहीं आती, वो कहते हैं कि देश के बुरे हाल बर्बाद कर दिया देश, 10 साल में जो कांग्रेस ने बनाया उसको बर्बाद कर दिया। सुनिए राहुल गांधी, फिलहाल हमसे तो 10-15 साल छोटे हैं लेकिन नेता हैं और बड़े घराने के हैं, लेकिन जिस नेता को बोलने की भाषा सही ना हो वो प्रधानमंत्री बनने लायक है? मोदी जी के बारे में इन्होंने क्या क्या बोला है? ना पप्पू नहीं बोला है, उससे कोई बात करते हैं तो भाग जाता है जी। कभी कश्मीर की बात करता है, कभी चीन की बात करता है, माननीय है वो पद माननीय है, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है। जिसके बारे में इस तरह के लोग बोलें वो देश के काबिल नहीं है। राहुल गांधी देश के काबिल नहीं? ना बिल्कुल नहीं है। अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो ये देश जो है एक बार फिर धरातल को जाएगा जैसा इनके पुरखों ने कर रखा था। अरे बाहर से पढ़े हैं यार, फॉरेन से विदेश से पढ़ गए हैं, कैसी बात कर रहे हो आप? यही वजह से बोलने की शैली नहीं है इनकी। अगर ये विदेश में न पढ़े होते तो शैली अच्छी होती। हाँ। विदेश में पढ़ने का कारण ही इनकी बर्बादी का कारण हुआ है। विदेश में पढ़ने के कारण? कारण। हाँ। इसलिए कि ये हिंदुस्तान में न हुए जी। और ना यहाँ की भाषा सीखी। हाँ। ना यहाँ के लोगों से मिले जी। तो इनको बोलने की भाषा ही नहीं पता है। भारत के मन को ये नहीं पहचान, कतई नहीं पहचान सकते। हाँ। ये खुद नहीं कह सकते कि हिंदू है क्या, इसलिए कि क्रिश्चियन है। इनको इसके बारे में पता ही नहीं है और अनाप शनाप बोलते हैं। अरे अखिलेश यादव तो हिंदू हैं, यदुवंशी हैं, यादव हिंदू, कृष्ण जी सपने में आते हैं उनके तो हैं। हाँ। अखिलेश यादव हिंदू हैं लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के साथ चल रहे हैं कि उनको तो बोलेंगे ही, खुद बोलेंगे। ये 2-4 सीटें जो पाने वाले थे शायद वो भी न मिले, इनके कारनामे इनके नहीं अच्छे हैं। अखिलेश के कारनामे ना नहीं अच्छे हैं। चाचा ये बताओ इनको मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? इनको कैसे आए भाई, हमारे पिताजी ने अगर आपके या किसी के मतलब परिवार को मारा है तो मैं मारे शर्म के वहाँ जाने ही लायक नहीं हूँ। अंतरात्मा तो कहती होगी कि भगवान हैं जाना चाहिए, लेकिन दूसरी आत्मा कह रही कि हमारे बाप ने वहाँ पर कत्लेआम कराया है, उसमें हम भी थे, गोली जब चली है तो हम भी थे, आदमी गिरे हैं, कम से कम 10-12-15 मतलब बंदर मरे हैं, बंदर भी मरे पड़े थे। कत्लेआम अपनी आंखों से मैंने देखा है, वहाँ था। हाँ, 8 दिन वहीं था, नदी के पास जब लाशें ढूंढी जाने लगी हैं तो कम से कम 200-250 लाशें नदी में मिली हैं। और हनुमानगढ़ी के पास जो नालियाँ बनी उसमें खून बह रहा था, सुबह मैं वहीं था। तो कुछ समाधान भी तो इसका हो सकता है, कुछ माफ़ी मांग के, कुछ माफ़ करके, ऐसा कुछ समाधान? देखिए जब आदमी की एक चूक हो जाती है बड़ी जी, तो उसका समाधान है नहीं, वो करे ही समाधान करे, लेकिन वो है नहीं समाधान। लोग उस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे भाई, इसके बारे में 500 वर्ष से जो कत्लेआम हुए, जो कहानियाँ हुई, वो फिलहाल इस समय की जनता को नहीं पता था, लेकिन जो अब हुआ है यह तो सारी जनता जान चुकी है ना जी। तो ये जनता तो नहीं माफ करेगी, आने वाली पीढ़ियां माफ कर जाएं वो बात दीगर है, वो बात अलग है। बस ये बताइए मोदी जी का या योगी जी का जो शासन है 7 साल का, वो कैसा लगा? बता तो रहे हैं आपसे कि इतना सुंदर शासन, मैंने 65-66 वर्ष की उम्र है, किसी भी शासक के अंदर नहीं देखा है। जो योगी के अंदर जी, जो योगी जी के अंदर या मोदी जी के अंदर है, ऐसा शासक नहीं आया हमारे सामने, नहीं आया भाई, नहीं आया ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद, इसी के साथ ख़त्म करते हैं। और वीडियो को आप भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।